नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं सत्य बहुमत। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत में। और आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, और अडानी, गौतम अडानी जी की जो कंपनी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद किस तरीके से शेयर के बाजार में धराशायी हुई और उसका फायदा, कहा जाता है कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां जो शॉर्ट सेलर कंपनी होती हैं वो उठाती हैं। और आरोप ये भी लगाया जाता है कि इसीलिए ये कंपनी जो है इस तरह की रिपोर्ट लेकर आती है। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है। कमेटी की एक एंट्रीम रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट का खुलासा कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया में उसकी एंट्रीम रिपोर्ट के अंश जो हैं आए हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी कहती है कि सेबी ने जो आंकड़े उनके पास उपलब्ध कराए, जो डेटा उपलब्ध कराए, जो जानकारी उपलब्ध कराई, उसके आधार पर हमें कहीं नहीं लगता कि रेगुलेटरी रूल्स जो हैं कहीं फेल हुए हैं। यानी सब कुछ चंगा सी, ऐसा भाव निकलता है। हम आपको उस पर भी बात करेंगे कि सब कुछ ठीक था तो जो कुछ घटनाएं हुई, निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फूंक गए, खुद गौतम अडानी जो कि 140 अरब डॉलर के मालिक थे आज 40 अरब डॉलर के मालिक रह गए, 100 अरब डॉलर का नुकसान। ये क्या वर्चुअल नुकसान है? क्या ये रियल नुकसान नहीं है? और ये सब हुआ तो कैसे हुआ? किसकी असफलता थी, या कि ये भी एक सफलता है? और जब असफलता है तो उसके कारण भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अभी कोई, या इवन सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला आया नहीं है, कमेटी के इंटरिम रिपोर्ट है, लेकिन इससे पूरे देश में विमर्श जो है तेज हो गया है। दो भागों में पहले भी लोग बटे थे, अब भी बटे हैं। इनका कहना है, एक भाग का कहना है कि गौतम अडानी को और हिंडनबर्ग मामले में बेवजह इसको राजनीति की गई, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। और दूसरा पक्ष ये है कि गड़बड़ नहीं हुआ तो ये हंगामा क्यों बरपा, शेयर बाजार में इतने रुपए डूबे क्यों? तो इसी पृष्ठभूमि में आज की चर्चा है। हम अपने पैनलिस्ट साथियों से, प्रबुद्ध साथियों से आपका परिचय कराते हैं और बहुत जल्द ही इस पर गंभीर चर्चा के साथ आप जुड़ेंगे। आपकी टिप्पणियों का भी स्वागत रहेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता जी। आप बहुत बहुत आपका स्वागत है। अनिल गुप्ता जी बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और बहुत उनकी विवेचना में एक गंभीरता होती है। हमारे साथ जुड़े हैं एके मिश्रा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर अपनी राय रखते हैं, भारत का नाम देश से बाहर भी ऊंचा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी मौजूद हैं, रोज की तरह आज भी संस्थापक हैं सत्य बहुमत पार्टी के। आप नियमित रूप से हर चर्चा में जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात होती है वहां तक सबका ध्यान लाते हैं, और देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इस पर आप चिंतित रहते हैं, सही मायने में लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं सबसे पहले एके मिश्रा जी के पास आता हूं। मिश्रा जी, दो धाराएं मैंने कहा कि हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जो आई है,
आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए प्रेम कुमार जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम रिपोर्ट आई है और वो चीज़ें अगर सही हैं और भविष्य में रिजल्ट भी वही फाइनल रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग रहते हैं उनकी कमेटी में, उन्होंने जो कुछ भी सोचा होगा, समझा होगा, हर एंगल से इंटरनेशनल, नेशनल, फाइनेंशियल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो हमें उनकी बात पे बिलीव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मतलब आप ये बोलिए कि हल्के लोग नहीं रहते हैं, कि कोई कमेटी बनती है तो बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ है। और यही चीज़ मैं शुरू से बोलता था कि इसका ये जो मामला अडानी का हुआ है, देखिए सही क्या है गलत क्या है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ना तो मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन मुझे एक बू जरूर आती है। बू इसलिए आती है कि अमेरिका का कोई एक आदमी है जो वहाँ पे खुद विवादित है, उसका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे, क्यों वो भारत की कंपनियों के ऊपर अटैक कर रहा है? तो जैसे टेररिज्म होता है, स्ट्रेटजी होती है, वैसे ही फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है। एक सिंगल आदमी की, जिसके यहाँ दो चार लोग काम करते हैं, इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो ये इस तरह के काम करें, उसके पीछे कोई ना कोई बड़े हाथ होते हैं और षड्यंत्र होता है, और उसके पीछे सॉलिड रीज़न है कि उसके अडानी के पीछे ही क्यों पड़े और किसी के पीछे क्यों नहीं पड़े, वो सॉलिड इकोनॉमिक रीज़न है जिसके बेसिस पे बोला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब, आपकी दौलत को लूटने का ये सब मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक है। पहले तो अटैक करके लूट लेते थे, सोना चांदी जो रखा रहता था ले जाते थे, अब जो इंटरनेशनल लूट होती है वो बड़े सोफेस्टिकेटेड तरीके से होती है, जैसे इंटरनेट से लोग लूट लिए, ये इस तरह के कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके आपके नेटवर्क को जो है शेयर मार्केट में कम कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, चार छह कंपनियां ऐसे ही देश की बर्बाद हो गई, आपकी इकोनॉमी डूब गई। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरिम रिपोर्ट की जो भी खबर आ रही है, भगवान करे कि वो फाइनल रिपोर्ट में जाए, ये केवल अडानी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट बेयर मिनिमम अपने देश की जो कंपनियां हैं वो एकजुट होकर के इस तरह के फाइनेंशियल अटैक और टेररिज्म का सामना करने के लिए तैयार रहें और मैकेनिज्म डेवलप करें। अडानी के लूटने का मतलब ये नहीं है कि हम खुश हो जाएं, अरे देखो एक धन्ना सेट लूट गया, अडानी, टाटा, बिरला, कोई भी इंडिया का अगर उद्योगपति लूटता है तो हम लूटते हैं डायरेक्ट या इंडिया, एक रिक्शा वाला लूटता है सर, ये फैक्ट सोचना चाहिए। जी 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 मिश्रा जी, आप फाइनेंशियल अटैक से बताया जाए देश। जी जी मिश्रा जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर 100 अरब डॉलर गौतम अडानी के लुट गए, तो मैं एक बड़े चैनल में कुछ दिनों पहले, जो आर्थिक मामलों का चैनल है, उसमें ही मैंने ये बात कही थी कि ये आम गरीबों का पैसा लुट गया, लोग गलत कहते हैं कि अडानी का पैसा लुट गया। तो उन्होंने मेरी समझ पर सवाल उठाया, कहा कि आप बिजनेस चैनल में बैठ करके ऐसी बातें करते हैं, ये गौतम अडानी की निजी संपत्ति थी, उसको आप पब्लिक की बता रहे हैं, ये बात है विमर्श का, और आपने भी उस बात को कहा। मैं दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ, ये आता हूँ जो उन्होंने बोला वो भी सत्य था। इस कंपनियों में होता क्या है, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी की टोटल वैल्यू है, तो उसमें जो उसका प्रमोटर है उसका शेयर कितना है, मान लीजिए 40% है, तो 40% उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, 70% जो उसने शेयरों से उठाया है, पब्लिक ने लगाया है, वो इस तरह का भाई। यहाँ पर मिश्रा जी आता हूँ, डिबेट को बढ़ाता हूँ आगे, मैं इन तकनीकी बातों में पढ़ना ही नहीं चाहता कि प्रमोटर के कितने पैसे हैं और शेयर होल्डर्स के कितने पैसे हैं। वो पैसा इस देश के लोगों का पैसा है, ये मैं कह रहा हूं। अडानी जी ने जो पैसे कमाए उनका ज्यादातर हिस्सा 2018 और 22 के बीच का है, इतने कम समय में इतनी दौलत जो कमाई गई इसी जनता का पैसा है वो, ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत आप टिप्पणी कीजिएगा, फिर लाइन बाय लाइन डिबेट नहीं होगी मिश्रा जी, लाइन बाय लाइन डिबेट मुश्किल है, फिर आएंगे आपके पास। तो मेरा ये कहना था कि ये जनता का पैसा है। मैं एक बार पॉइंट पर, विषय पर आने से पहले एक स्क्रीन पर नजर डालने का आग्रह करता हूँ। ये रिपोर्ट के अंश हैं, जो इंटरिम रिपोर्ट है। एट दिस स्टेज टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड बाय सेबी supported by
empirical data prima facie, it would not be possible for the committee to conclude that there has been a regulatory failure around the allegation of price manipulation, the report said. तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के जो अंश हैं, इसी अंश को सामने रखते हुए, जिसका सीधा सा मतलब है कि सेबी ने जो अकाउंट के बारे में जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं और उसमें वो जिस डाटा के आधार पर है उसको प्राइमा फेसी देखते हुए कमेटी इस ये निष्कर्ष निकालती है कि ये रेगुलेटरी फेल्योर का उदाहरण नहीं है जिसके इर्द गिर्द ये प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, ये बात सेबी का कहना है। तो मैं अनिल गुप्ता जी के पास इसी टिप्पणी पर आता हूं कि अनिल गुप्ता जी, आप क्या कहते हैं इस एंट्रेंस रिपोर्ट पर? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस सुप्रीम ये पैनल का गठन किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि यह इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं जो ये सजेस्ट करेंगे कि सेबी का फेलवर की समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए उपाय सजेस्ट करेंगे। इस रिपोर्ट को देख के लगता है कि देश सेबी सुप्रीम कोर्ट और इस देश की संसद को मार्गदर्शन देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सेबी की रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसी पर या जो भी कुछ वो प्राथमिक दौर में है जो काम कर रही है सेबी, या सेबी का जो कहना है उसी को आधार बनाकर के ये रिपोर्ट तैयार कर दी है। साफ जाहिर होता है कि इस रिपोर्ट में कोई मेहनत नहीं की गई है और ना उनकी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता प्रकट हो रही है जो, या प्रतिभा प्रकट हो रही है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को रोके। मैं तो यही कहूंगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित ये कमेटी ये कहकर बच सकती है कि अभी हमारे पास जो जो डाटा चाहिए, जो पुष्ट डाटा चाहिए, रादर जो कंफर्म डाटा चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम अभी कोई बहुत निश्चयात्मक तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जी प्रेम जी, जी अब मैं आना चाहता हूँ सत्यदेव चौधरी जी के पास। चौधरी साहब, सेबी के की रिपोर्ट के आधार पर इंटरिम रिपोर्ट के अंश हम लोग देख रहे हैं और उससे कंक्लूजन निकल रहा है और हमने उसको सवाल के रूप में रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट क्या गौतम अडानी को क्लीन चिट है, ये एक सवाल रख रहा हूँ। और इस सवाल के साथ ये बात भी जोड़ रहा हूँ कि ये वही सेबी है जिसने अभी हाल में ही इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में ये कहा कि हमने 2016 के बाद से गौतम अडानी की किसी भी कंपनी का कोई भी उसकी जांच नहीं की। और मैंने हम सेबी ने पहले जो बातें कही थी जांच के बारे में वो झूठा था, यानी सेबी ने झूठ कहा था और इसी झूठ को संसद में भी दोहराया गया था, ये भी सच है। तो अब इस सवाल पर मैं आता हूँ दोहराते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट क्या अडानी को क्लीन चिट है? धन्यवाद प्रेम जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट को हम क्लीन चिट नहीं मान सकते। और दूसरी बात यह है कि जब हिंदुस्तान की कंपनियां विदेशी इन्वेस्टर से फंड लेती हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि जो विदेश की जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो तो सबको मालूम है, उन्होंने तो ये घोषणा करी थी कि भाई हम शॉर्ट सेलर हैं। उस शॉर्ट सेलर बेसिस के ऊपर उन्होंने ये इसका एनालिसिस किया, इसका 2 साल से सर्वेक्षण किया और वहाँ उनके दफ्तरों में जा जाके हिंडनबर्ग कंपनी ने, जहाँ पर भी इन अडानी कंपनियों ने जो बाहर के अंदर इनके ऑफिस बने हुए हैं वहां जाके देखा, तो वहां पर तो एक ही जगह के अंदर कई कई कंपनियों के ऑफिस बने हुए हैं और उनके वहां पर कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कोई जिम्मेवार आदमी वहां पर नहीं है। तो देखिए, ये तो पक्का है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
नहीं तो 140 बिलियन डॉलर से आप ही कह रहे हैं कि उसकी संपत्ति अब 40 बिलियन डॉलर रह गई, तो 100 बिलियन को ये तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी रकम होती है, 140 में से अगर 2, 5, 4 अगर बिलियन इधर उधर हो जाते तो बात समझ में आती, लेकिन 140 में से 100 बिलियन निकल जाना तो अपने आप के अंदर इसका मतलब तो ये हुआ कि करीब करीब 2/3 से भी ज्यादा माल उसका खत्म हो गया। तो वो जो पैसा है, वो पैसा जो यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर हैं, हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा गया, LIC का पैसा गया, SEBI का पैसा गया, तो इस तरह से नुकसान तो रिटेल इन्वेस्टर का हुआ। और जो भी इनके जो ये होलसेल इन्वेस्टर हैं जिनके अंदर इनके अपने ही हैं, और फिर ये जो एक बाहर से, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने यहाँ के पैसे को दूसरी कंपनियों में भेजकर और उनके जरिए से रूट करवाया अपनी कंपनियों के अंदर, उसका भी SEBI ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। कितने देर के अंदर कितने रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर कैसे खरीद फरोख्त, कैसे खरीदा गया, किसको बेचा गया, उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी गई अभी तक। और पीछे भी मांग करते रहे लेकिन इसको रिपोर्ट देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनको, लेकिन नहीं दिया, जिससे खुलासा हो सके, ऐसी रिपोर्ट तो कोई आई नहीं है अभी तक। खाली ये कह देने से कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई 140 बिलियन डॉलर से जो 40 रह गया, वो 40 का एकदम से अभी फिर 140 हो जाना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो नुकसान तो देखिए हो गया, और जिसको भी इसके अंदर किसी का नुकसान है तो किसी का फायदा भी हो रहा है, ये बात तो है शेयर बाजार के अंदर। लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी सरकार का बिल्कुल ये एक फाइनेंशियल क्राइम है, जो कि एक किसी कंपनी को एक ऐसा फेवर करके और इसको आसमान में चढ़ा देना इतने कम समय के अंदर, और उससे लोग भ्रमित होते हैं तो वो फिर अपना पैसा डालते हैं उसके अंदर इस लालच में आके कि इसमें और फायदा होगा, और जब फायदा नहीं होता है तो फिर नुकसान हो जाता है। तो फायदा तो रिटेल इन्वेस्टर का ही हुआ या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनका हुआ, जो फॉरेन फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी नुकसान हुआ। तो ये तो कह ही नहीं सकते हम जी कि इसमें नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ ही हुआ, 100% नुकसान हुआ। जी जी जी, मैं एक बार फिर AK मिश्रा जी के पास आता हूँ। मिश्रा जी तब भी कुछ बोलना चाह रहे थे, और इस सवाल के साथ आता हूँ कि ये जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, शेल कंपनियां हैं जो देश से बाहर पैसे वहां जाती हैं, वहां से घूम के आती हैं, एक ही कंपनी में बारंबार लग जाती हैं, क्या हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ऐसी वैश्विक स्तर की साजिशों से निपटने के लिए में सक्षम नहीं है क्या? जी मिश्रा जी, सक्षम है। देखिए, आक्रमण अगर बाहर से हो, उससे तो किसी भी तरह का हो, फाइनेंशियल अटैक हो, मिलिट्री का हो, आतंकवादी का हो, तो हमारा ढांचा निपट। आवाज आवाज नहीं आ रही है मिश्रा जी की, आवाज बाकी हमें पहले भी नहीं आ रही थी, हम सुन नहीं पा रहे। मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं? प्रेम जी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी हल्की आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है सर? हाँ, हाँ, आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। चलिए बोलिए आप, आ रही है, आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि बाहर के जितनी भी साजिशें हों या अटैक हो, उससे हमारा ढांचा निपटने में सक्षम है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि बाहर किसी ने हल्ला मचाया और हम सारे लोग अपने ही लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। हम गुलाम भी हुए तो बाहरी अटैक के कारण नहीं हुए, हम इसलिए हुए कि हमें हमारे लोगों ने ही षड्यंत्र किया और बाहरी लोगों का साथ दिया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने शुरू में ही बोला था, ये विचारणीय प्रश्न है। हिंडनबर्ग से पूछा जाए कि तुमने कौन से ऑफिसर को कहाँ भेजा, जरा उसका ट्रेवल प्लान और ये सब बताओ, कितने दिन रुका, उसका नाम बताओ, कौन से अडानी के एक्स एम्प्लाई तुम्हारे साथ थे जिसका तुमने इंटरव्यू लिया या इंफॉर्मेशन, वो ये सब चीजें कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने जितने भी क्वेश्चन, उस वक्त तो मैंने रिपोर्ट पूरी निकाल के उसकी पढ़ी थी, क्वेश्चन उन्होंने उछाल के फेंक दिए। हम इतने बड़े बेवकूफ कि हम अपने ही लोगों को मारने लगते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा,
अडानी सही है या गलत है ये बात दूसरी है, उसका फैसला हम करेंगे, भारत, भारत के संविधान, कोर्ट वगैरह करेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण और देता हूं। स्विस, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी लूट पे चलती है। ब्रिटेन में आप जाके 5 करोड़ या कितना है उतना पैसा दीजिए, वो आपसे पूछेंगे नहीं ये लूट का पैसा है कि कहाँ का पैसा है, वो आपको नागरिकता और प्रोटेक्शन दे देंगे। जो हमें आप तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं या आलोचना? नहीं नहीं, मैं अपने लोगों की आलोचना कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अडानी स्विट्जरलैंड का उदाहरण आपने रखा, मैं आलोचना कर रहा हूँ और मैं आईना दिखा रहा हूँ विदेश के लोगों को। अमेरिका इतना बड़ा लुटेरा, उसकी पूरी इकोनॉमी अमेरिका और ब्रिटेन की लूट पे बनी है। स्विस बैंक किसी को खाता तक नहीं बताता था कितने पैसे हैं। स्विस स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी ही इसी पे बेस्ड है कि लूट के पैसे ले आकर के जमा करो और उसी से उसकी इकोनॉमी चलती है। वो अपने देश के पैसे वालों को उद्योग पर, आज की डेट में अगर अमेरिका की किसी कंपनी पे हमला हो जाए किसी देश में इम्प्लॉय पे, अमेरिका पूरा राशन पानी लेकर के चढ़ जाता है, पूरे देश को तबाह कर देता है। ऐसी रिपोर्टों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। एक रिपोर्ट और आई थी किसी, पाकिस्तान तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है इंडिया से बहुत आगे है, और दुनिया की जानी मानी संस्था ने की थी, वो हिंडनबर्ग की बाप है। अगर रेपुटेशन में देखा जाए तो हिंडनबर्ग उसके सामने कुछ नहीं है। इधर हल्ला मचना शुरू, अरे जी हम तो पाकिस्तान से पीछे हो गए, पाकिस्तान से पीछे हो गए, हमने अपने सर नोचने शुरू कर दिए आपस में ही, पाकिस्तान का क्या रिजल्ट रहा। तो चूंकि देखिए, मैं फाइनेंस और इकोनॉमी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, हमारा प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस किया है कंपनियों में, हमें पता है किस तरह से विदेशी ग्लोबल इकोनॉमी चलाते हैं जो दादा बने हैं, और किस तरह की लूट। अमेरिका ने जब हमला किया था गद्दाफी के ऊपर, सारा सोना लूट करके अमेरिका वहां पे लेके गया, वह ये ईरान और इराक वार में क्या हुआ। तो उनके साजिशों को समझिए, कल को कोई टाटा को बोल देगा, बिरला को बोल देगा, पता चला हम लोग लूटना शुरू कर देंगे इनको, हम ऐसे उद्योगपतियों को बोलेंगे कि तुम चोर हो, हम ही लोग अपने देश के उद्योगपति। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है अडानी का शेयर गिरा, सारी चीज हुई, क्या उसकी कोई चीज बिकी? उसके जो रियल असेट्स हैं, पेपर असेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेप्चुअल असेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिसेज, जितने इम्प्लॉय थे सब तो वैसे ही हैं। परसेप्चुअल असेट्स वो होते हैं कि जैसे शेयर उसने 10 रुपए की आज प्राइस है, मिश्रा जी उन बातों को देश भी समझता है भाई। आज भी शेयर होल्डर्स को की मीटिंग बुलाए फिजिकली, तो आज अंबानी ज्यादा लोगों को फिजिकली खड़ा कर सकता है, अडानी नहीं खड़ा कर सकते। ये कम समय में अधिक तेजी के साथ जो पूंजी का विस्तार हुआ है उसका एक बहुत कारण है, लेकिन मैं इन महीनी बातों में नहीं जाना चाहता। देखिए इन तब इसका ये तो अनंत कथा हो जाएगी, अनंत कथा हो जाएगी। रुक जाइए, इंफोसिस ने जितना तेज ग्रोथ किया, टाटा टाटा को 100 साल लग गए उस लेवल पे पहुंचने पे, इंफोसिस 10 साल में पहुंच गया। सुन लीजिए, सैद्धांतिक बातें कह करके ये जो चीजें हुई हैं गलत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको कंसीडर किया, सुनने के लिए कंटेंट था तभी कंसीडर किया, अभी सुनवाई चल रही है, उसमें जो एंट्रिम रिपोर्ट आई है, एंट्रिम रिपोर्ट का जो बेसिक है उसकी बात कर रहा हूं कि एंट्रिम रिपोर्ट का आधार ही सेबी, सेबी की ओर से प्रदत्त किया गया डाटा है, और सेबी खुद मान रहा है कि उसने 2016 के बाद से अडानी की किसी कंपनी को छुआ तक नहीं है। तो ये कंट्राडिक्टरी तो साफ है ना, तो ये क्लीन चिट तो हो ही नहीं सकता। और ये जबरदस्ती अगर हमें ये बनाया जाए कि वो हमारे देश की कंपनी, इसलिए हमारे पूरे देश को उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, ये देश और विदेश का मामला नहीं है, हमारे ही देश के इंडस्ट्री का मामला है, हमारे ही देश के लोगों के साथ लूट भी हुआ है, हमारे ही देश के लोगों का विकास भी होना है, सारी समस्या हमारे देश के लोगों की है। विदेशी कंपनी ने जो दिखाया है बताया है, जांच रिपोर्ट जांच कर दिया जाए। मैं अनिल गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए कि ये विदेशी कंपनी की रिपोर्ट ही गलत है, तो और पाक साफ बन करके
ये अडानी की कंपनी आएगी, बहुत विश्वसनीय बनकर आएगी, नहीं अडानी की कंपनी में कोई भी शेल कंपनियों में पैसा नहीं गया, इनके भाई की जो शेल कंपनियां दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों में है वहां कोई पैसा नहीं गया, वहां से वापस इनकी कंपनी में नहीं आया, छद्म तरीके से इनके शेयर जो प्राइस है उसको हाइक नहीं किया गया, इस बारे में क्लीन चिट हो जाए तो अडानी की कंपनी का भला होगा, देश का भला होगा, हिंडनबर्ग का थोड़े भला होगा। जी अनिल गुप्ता जी, हिंडनबर्ग को एक बार मिश्र जी के दृष्टिकोण से छोड़ दें कि वो विदेशी है, इसलिए वह शत्रु है, देश का शत्रु है, अडानी का शत्रु है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शत्रु है, लेकिन यह तो फैक्ट है कि LIC को घाटा हुआ अडानी में जो इन्वेस्टमेंट किया अडानी की कंपनियों में, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। इससे भी के संसद में कोई सूचना दे रही है, आज कुछ और सूचना दे रही है, ये तो फैक्ट है, यही सत्य पता नहीं चल पा रहा है। तो मोटे तौर पर तो मुझे बिल्कुल एक ये आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी का बड़ा अच्छा प्रिय शब्द है सत्य, सत्य के मार्ग पर चलने वाले पत्रकार के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मुझे अडानी को बचाने की कोशिशों का हिस्सा लगता है, ये इसमें कहीं कोई फेयर नहीं है, मतलब इससे ज्यादा अंधेर गर्दी क्या होगी कि पार्लियामेंट में कहा गया कि वो जांच कर रही है इसे भी, यहाँ अब कह रही है कि हमने कोई जांच नहीं की, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई बेसिर पैर की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसका कोई नोटिस नहीं दे रहा, इस देश के प्रबुद्ध लोगों को क्या हो गया है, कुछ लोग हैं सत्यदेव चौधरी जी जैसे जो संवेदनशील हैं, जिनके हृदय में तड़प है इस देश के साथ, कारण क्या है, और वह से भी लगातार जद्दोजहद कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 6 महीने का समय दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी, कठोर टिप्पणी की कि 2 महीने निकल गए, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया उन्होंने, हाथ पर हाथ रख के बैठे, वो केवल इसलिए मांग रहे हैं समय कि 6 महीने बाद फिर कहेंगे, तो मांग तो रहे हैं वो 15 महीने, इतना जटिल काम है इसमें 15 महीने लगेंगे जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव की तिथियां निकल जाए। जी प्रेम जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ एक अलग किस्म से सवाल लेकर कि देखिए, ये इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें अरबों रुपए डूब गए, जनता के डूबे, लेकिन इसकी जांच हम उस सेबी की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं, जो सेबी अगर सही होता तो ये घटना ही नहीं घटती, सेबी अगर निगरानी रखता तो ये दिन क्यों देखने पड़ते, तो उन्हीं सेबी को जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी भी उसी सेबी पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये डेमोक्रेसी का फेल्योर नहीं है, जनता का पैसा डूब रहा है तो जनता के सेवक की चिंता होनी चाहिए, ये जांच JPC से होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जनता के सेवक इसकी जांच करेंगे, वो सही लाएंगे, वो सेबी की भी जांच करेंगे, ये अडानी और हिंडनबर्ग का मामला नहीं है, ये सेबी और हमारी नियामक जो कंपनियां हैं उनकी भी ईमानदारी का सवाल है, वो भी सवाल के घेरे में है, जो सवाल के घेरे में है उसी से जांच करवाई जा रही है, ये सवाल आपके पास है सत्यदेव चौधरी। तो देखिए प्रेम जी, 100% हमारी सरकारों की भेदभाव और पक्षपात भरी नीतियों के कारण ही ये सारा सब चक्कर पड़ता है, और क्योंकि जैसे मिश्रा जी अभी बोल रहे थे जी कि हमारी अपनी कंपनी का हमारे देश के लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, टाटा या बिरला की आलोचना क्यों नहीं करते, अरे भाई जिसके अंदर गड़बड़ होगी उसी की तो बात करी जाएगी, तो ये जो विदेशों के अंदर विदेशों के अंदर जो पैसा लूट लूट के चला गया वो हमारे देश का तो गया हुआ है ना, तो वो किस कारण से गया हमारी, क्योंकि हमारी आर्थिक नीति, हमारे सरकार की आर्थिक नीति ही ऐसी है, यही तो चक्कर है सारा कि भ्रष्टाचार का पैसा आप यहाँ से देश के गरीबों का लूटो, बाहर भेजो, और वहां से फिर रूटिंग करके अपनी कंपनियों को फिर वापस ले आओ, इसी चक्कर की वजह से तो सारा काम खराब हुआ है ये,
अब आप चाहे जेपीसी लगाओ या सेबी की इंक्वायरी करवाओ या सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवाइए, इसमें कुछ दीपा पोती के सिवाय कुछ होने वाला है नहीं। जो लोगों का पैसों का नुकसान होना था गरीबों का वो हो चुका और जो होना है वो होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा ही अगर है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर इतनी गलत है तो ये तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाना चाहिए था मार्केट। उसके अंदर अनप्रोपोर्शनेट बैनर के अंदर इन्होंने रेट बढ़ाए, अपने ही पैसे को रीरूट करते 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 इन्होंने 10 रुपए की चीज 100 रुपए में कर दी। और क्योंकि उसका अब एक जो रियल वैल्यू होनी थी, जहां पर इसको एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, उस एक लेवल के ऊपर आई वो चीज, इसीलिए ये अब उस रेट के ऊपर टिका हुआ है। नहीं तो 140 की चीज 40 रह गई और 40 की चीज अब 41-45 भी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब उसके अंदर गड़बड़ तो है ही है, अनप्रोपोर्शनेट मैनर के अंदर उसमें उसको लाभ तो मिला ही मिला है और लोगों को उसने लोगों को मूर्ख बना के इन्फ्लेट कर करके प्राइस जो स्मॉल इन्वेस्टर थे उनको नुकसान उनका नुकसान हुआ। तो हमारे देश के अंदर इतने लोग, हमारी सरकार इतने मूर्ख क्यों है, या उनका कोई भी ऐसा कोई चेक नहीं है जिसके अंदर हमारे देश के लूटे हुए धन को वो स्विट्जरलैंड चला गया, ब्रिटेन चला गया, अमेरिका चला गया। ये तो जैसे आप कह रहे हो मिश्रा जी, ऐसे मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इसको रोकेगा कौन, रुकेगा कैसे ये मामला? ये रुकेगा तभी जब यहाँ की सरकारें अच्छी बनेंगी, सरकारें ईमानदार बने। सरकार जब तक अच्छी नहीं बनेगी, सरकार को क्योंकि खुद भ्रष्टाचार का पैसा चाहिए, इन कॉरपोरेट घरानों से सरकार को फायदा लेके अपने इलेक्शन लड़वाने के लिए इनको उनसे उनका प्रबंधन करना है। क्योंकि चुनावों के अंदर भ्रष्टाचार का पैसा लूटा हुआ पैसा लुटाओ, गरीबों को थोड़े बहुत मूर्ख बनाओ लोगों को, और उसके बाद में चुनाव जीत लो। ये सारा षड्यंत्र यही है, इसके अलावा कुछ भी षड्यंत्र नहीं है। और जो आप कह रहे हैं जी कि अडानी ने कोई चीज बेची नहीं, कुछ नहीं किया, तो इसकी वैल्यू कम क्यों हो गई? वैल्यू कम होने का तो कारण यही है ना कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। नहीं तो 140 बिलियन डॉलर की वैल्यू 40 क्यों रह गई? हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ जी। जी मैं मिश्रा जी के पास आता हूँ। मिश्रा जी, बेसिक सवाल वही लेकर आता हूँ जो मैंने सत्यदेव चौधरी जी से पूछा कि इसकी जांच हम उस सेबी को से उसके डाटा पर डिपेंड कर रहे हैं जो खुद सवालों के घेरे में। हम सेबी पर क्यों डिपेंड करें? हम जेपीसी से क्यों नहीं जांच करवाएं? जनता के प्रतिनिधि हैं, जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सांसदों की टीम जांच करेगी तो वो ज्यादा होगी, बेहतर होगी। ये नौकरशाहों को मैनेज करना तो कैपिटलिस्ट के हाथ में है जी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे छोड़ के सब सत्य का झंडा एकदम बुलंद कर रहे हैं। की आवाज फिर गई। जितने लोग बैठे हैं सब सत्य का परचम लहरा रहे हैं, ये सम्मान की बात है। मैं एक चीज पूछता हूँ, अमेरिका के एक थर्ड क्लास के चोर और निकम्मे आदमी ने लगाया आरोप और हम सत्यवादी हरिश्चंद बन गए और न्याय करने के लिए तत्पर हो गए। जरा बताइए ना, लाखों लोग मर गए थे मिथाइल आइसोसाइनाइड जब भोपाल में रिसा खा और एंडरसन को पकड़ नहीं पाई, उसके लिए आप लोग अमेरिका से क्या बोलेंगे बताइए? मैं आरोप लगाता हूँ एक भारत का नागरिक, एक अकेला, आप हिंडनबर्ग की जगह मुझे देखिए। हाँ, मैं बोलता हूँ कि अमेरिका को गिरफ्तार करें, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करें। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? उसी पैमाने से देखिए जिस पैमाने से आप हिंडनबर्ग को देख रहे हैं। ये जो कंपेंसेटरी तरीका बता रहे हैं कि तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहे। अब सुन लीजिए, अब मैं षड्यंत्र आपको बताता हूँ। धारा एक तेल था, सुनिए प्रेम जी सुनिए, जो नंबर वन मार्केट था उसके साथ क्या रचा गया? षड्यंत्र। और हमारे जो अभी सम्माननीय बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि भाई वैल्यू इतनी गिर क्यों गई। देखिए, दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है परसीव्ड। शेयर मार्केट परसीव्ड वैल्यू पे चलता है। किसी प्रोडक्ट का शेयर, किसी कंपनी का शेयर 30% अगर बढ़ गया किसी दिन, सुबह आपने खोला तुरंत 30% बढ़ गया, फिर 15% गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके असेट्स, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी सेल सुबह खुलते ही 15% बढ़ गई, जंप कर गई। उसमें कुछ फैक्टर होते हैं कि बिकवाली ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हो गई, लोगों ने खरीदना शुरू किया, वो बीच का एक छोटा सा प्रोसेस होता है।
शेयर मार्केट में जो वैल्यूएशन बढ़ती है वो परसेप्शन बेस्ड होता है। आप क्या कह रहे हैं, दुनिया का तीसरे नंबर का उद्योगपति कहाँ 50-60 से नीचे चला गया, तब भी आप रियलिटी को बोल रहे हैं मत स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं हमने कब बोला कि शेयर मार्केट, नहीं नहीं शेयर मार्केट के हिसाब से उनकी वैल्यूएशन गिरी है, उनकी रैंकिंग गिरी है नो डाउट, लेकिन शेयर मार्केट पे कोई चीज कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी रियल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी शेयर वैल्यू बहुत बड़ी आंकी जाती है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उतने का एसेट्स उनके पास हो। इवन डॉलर का 140 से 40 तो नहीं होगा ना, रियलिटी तो मानिए, मानिए ना, जीरो हो जाती है नंबर परसेप्शन के खेल में बिना कुछ गड़बड़ किए हुए कंपनी जीरो हो जाती है। एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टी, एक्चुअल में उनके एसेट वैल्यू कहां से कहां चले गए, ये कहां बात कर रहे हैं आप, डेली के हिसाब से बात कर रहे हैं आप, महीने में आपका क्या वैल्यू रहा वो होगा, हफ्ते में क्या रहा वो होगा, साल में क्या रहा वो हो रहा होगा, इस हिसाब से एसेट वैल्यू होंगे। सर एक घंटे में शेयर मार्केट क्रैश होता है, एक घंटे में एक कंपनी नहीं, तो क्रैश होगा तो क्रैश मानेंगे ना, हम लोग कहां बात कर रहे हैं, आधे घंटे में क्रैश है, क्रैश होगा तो क्रैश मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे कि ये तो होता ही रहता है, उसकी वैल्यू कम हुई हम मानते हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान में वार हो जाए, देखिए इंडियन शेयर मार्केट में जितनी कंपनी लिस्ट है अफरा तफरी मच जाएगी। चलिए आपसे मेरा सीधा सवाल था कि जिस सेबी को इन चीजों की जांच करनी चाहिए थी, जिसने घोर लापरवाही की, जिसने स्वीकार किया कि हम 2016 से अडानी की किसी कंपनी को हमने हाथ तक नहीं लगाया है जांच करने के लिए, उस सेबी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका डाटा बहुत प्योर होगा। सेबी को जितनी लिस्टेड कंपनी है पैरामीटर्स है वो रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट को, जीएसटी वगैरह को एक एक चीज की ऑडिट होती है। मिश्रा जी ये मैंने नहीं कहा ना, सेबी ने खुद कहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि उसने नहीं किया, सेबी खुद कह रहा है कि हमने जांच नहीं की। सेबी के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी इसलिए जांच नहीं की, और बिना शिकायत आई है तो जांच की प्रक्रिया क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। एंडरसन भाग गया, लाखों लोग मर गए, आप और दो अंडरसन बात को आगे बढ़ाते हैं। जवाब मैंने दिया वाली बात बताइए, जवाब मैंने दिया कि मैं एंडरसन पर चुप रहूंगा। सुन लीजिए मैंने जवाब दिया, अब आता हूँ अनिल, अमेरिका वाली बात बताइए सर। अब भाई मैंने रिपीट करते हुए आता हूँ अनिल गुप्ता जी के पास कि मैंने जवाब दिया कि मैं एंडरसन पर चुप रहूंगा और मिश्रा जी अडानी पर चुप रहेंगे, दोनों जो है चुप रहेंगे, कंपनसेट करेंगे। हम मैं अडानी पर बोलूंगा तो वो मुझसे एंडरसन पर पूछेंगे, ये है मैं अडानी पर चुप नहीं हूं, मैं अडानी की एक एक चीज पे बोल रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ अनिल गुप्ता जी के पास। अनिल गुप्ता जी अब थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम बात कर रहे थे, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, जनता के लिए कौन सोचेगा, उद्योगपति के भरोसे छोड़ दे क्या देश को, कि उद्योगपतियों की जांच करने वाली सेबी के भरोसे छोड़ दें। भाई सेबी का मन करता है तो सहारा श्री को सालों साल जेल में बंद रखते हैं बिना किसी एक कंप्लेन की भी, किसी ने एक कंप्लेन नहीं की, लेकिन सुब्रत राय सहारा सालों साल जेल में बंद रहे, और सेबी का मन करता है तो गौतम अडानी की कंपनी को झांकते तक नहीं। तो ये तो हालात है, तो इस जांच को जनता के हित में कौन बोलेगा, इस कैसे होगी ये जांच, कैसे होगी ये निगरानी पब्लिक के पैसों की। अनिल गुप्ता जी ये वैसे ही सवाल प्रेम जी आप मुझसे पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन ये प्रश्न एक्चुअली बिल्कुल मुफीद है, अप्रोप्रिएट है मिश्र जी से पूछने के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कि सेबी के पास कोई शिकायत नहीं थी सहारा की, फिर क्यों उनको जेल में पहुंच गए सुब्रत रॉय जी। ये तो मिश्र जी से पूछिए एक बार, फिर उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन तक सवाल जा चुका है, उनकी बारी आएगी वो बोलेंगे जी, आप अपनी राय रख लीजिए। मैं इस राय से सहमत हूँ, मुझे बहुत आशा नहीं है कि सेबी इसमें कुछ गंभीरता से कोई जांच करके
दूध का दूध और पानी का पानी, जिसको के शुद्ध हिंदी में कहा जाता है नीर क्षीर विवेक के साथ न्याय कर पाएगी। मुझे लगता है कि जेपीसी का ही गठन होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, जो सेबी जैसी नियामक संस्था का और अदर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, विदेशों विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके साथ ट्रांजेक्शन है, शेल कंपनी से आए हुए पैसे का के ट्रांजेक्शन है, मॉरिशस रूट का मामला है, इन सब मामलों पर की गहराई से गहनता के साथ जांच कर सके। तो मेरे ख्याल से तमाम राजनीतिक क्षेत्रों से और अन्य क्षेत्रों में जो ये मांग उठाई जा रही है कि संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की जांच करे, मुझे लगता है कि यह स्वीकार करने योग्य मांग है और तभी इस पर फैसला हो पाएगा। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही आशा करना सुप्रीम कोर्ट के साथ भी अन्याय है, हालांकि वो तो न्याय करने वाला मंदिर है, सर्वोच्च मंदिर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज्यादा ही बोझ डाला जा रहा है कि हर काम अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, सरकार का भी काम सुप्रीम कोर्ट करे, कार्यपालिका को भी सुप्रीम कोर्ट देखे, आर्थिक विषयों को भी सुप्रीम कोर्ट देखे। मेरे ख्याल से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी फिलहाल इसका सर्वोत्तम उपाय है। जी, प्रेम जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि निगरानी जो संस्था है उसकी भी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, जो सेबी क्या है जांच 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 उसकी होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ प्रेम जी कि सेबी जांच के दायरे में है, सेबी की गतिविधियां संदिग्ध हैं, सेबी का झूठ पकड़ा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में कुछ कह रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कह रहा है, बचने के लिए वो समय 15 महीने का समय मांग रहा है, उसको फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट से, सेबी को इतना समय आपको नहीं दिया जाता, इसलिए उनको 14 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। जी, क्यों 14 अगस्त तक का समय दिया गया है सेबी को? मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं और इस बात को रखते हुए कि जो अनिल गुप्ता जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग बटन बहुत डाल रहे हैं, जो सरकार को काम करना चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखने लगता है, जो काम सेबी को, यानी सेबी किस लिए बनी थी, ये इस तरह की जो हर्षद मेहता टाइप की जो घटनाएं होती हैं शेयर बाजार में उथल पुथल होती है, उन सबको चेक करने के लिए समझने के लिए सेबी बना और फिर एक के बाद एक कांड हो गए। अब सेबी की निगरानी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को जागना पड़ रहा है, सेबी कह रहा है कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम रिपोर्ट दो, सेबी झूठ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब उस झूठ की भी जांच सुप्रीम कोर्ट करे, तो कुल मिलाकर के जवाबदेही इस देश में खत्म हो गई। और आपने बहुत सही कहा, जब सरकार का फॉर्मेशन और उसका आधार ही भ्रष्टाचार होगा, सांसदों की खरीद फरोख्त होगी और जनता का बहुमत नहीं होगा, सांसदों का बहुमत होगा, तो सब सरकार जब भ्रष्ट होगी, उसको चुनाव जीतने के लिए जब पैसों की जरूरत होगी तो वो उन्हीं उद्योगपतियों के पास जाएगा ना, जिसके लिए सेबी आंखें मूंदे, जो करना है कर लो भाई, मुझे चंदा दे देना बस। जी सत्यदेव चौधरी जी, प्रेम जी, बात यही है जो आप कह रहे हैं और मैं इस पक्ष में हूँ कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ ना कुछ सच्चाई का तो पता लगे, चाहे उसका निवारण हो या ना हो, हमें पता तो लगना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। और जिस प्रकार यूनियन कार्बाइड के एंडरसन की जो यूनियन कार्बाइड की जो घटना हुई थी, तो एंडरसन को भगाने वाले भी हमारे नेता ही थे, कोई पब्लिक का आदमी नहीं था। इसी प्रकार जो भी अब ये जो अडानी का जो मामला है, ये भी हमारी सरकारों के द्वारा ही प्रायोजित है, ये आप कह ही नहीं सकते कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का ही इसके अंदर पक्षपात है, सरकार ने ही यहाँ के देश के गरीबों का पैसा लूटा और वो रीरूट होके मॉरिशस के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से उन्हीं के बहन भाइयों की बहनोइयों की कंपनियां हैं, जो उसमें पैसा जाता है वहां से फिर पैसा वापस आता है और उनके शेयरों के बाजारों को इन्फ्लेट किया जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जब आप विदेशियों से फंडिंग लेंगे और आप ये कहेंगे
कि ये विदेशी इसकी इंक्वायरी क्यों कर रहा है, इसका एनालिसिस रिपोर्ट क्यों दे रहा है, क्या उसका क्या विदेशियों का अधिकार नहीं है ये? और अगर विदेशियों ने आपको अगर ये आंखें खोली आपकी कि भाई हिंडनबर्ग कंपनी ने अगर आपकी आंखें खोली कि एक अडानी कंपनी का समूह ऐसा है जो इस तरीके की हेराफेरी कर रहा है, जो इस तरीके से शेयर बाजार के अंदर प्राइसिंग को इन्फ्लेट कर रहा है, तो हमें तो उसका उसका धन्यवाद करना चाहिए हिंडनबर्ग कंपनी का कि भाई उसने कम से कम हमारे को और आगे डूबने से तो बचाया और आगे नुकसान होने से तो बचाया कम से कम। तो ये देखिए जो भी ये सरकार का मिश्रा जी आता इस तरीके का मामला है ये कि गरीब, और ये खाली एक ही कंपनी का बात नहीं है, जो आप टाटा बिड़ला की बात करते हो तो मुझे बताइए कौन से टाटा बिड़ला कंपनी का आज तक कोई ऐसा इतना ऐसे शेयर क्रैश हुआ जैसे ये हो गया। कोई एक है उदाहरण आपके सामने कि किसी भी टाटा कंपनी का शेयर इतना क्रैश हुआ ऐसे? 2-5% 10% तक इधर उधर हो गया तो बात समझ में आती है, तो सारे का सारा ही क्रैश हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो है ही मामला वो सारा धोखाधड़ी का। और जब तक ये सरकारों का पक्षपात और भेदभाव खत्म नहीं होगा तो तब तक, और जब तक उनका मामला इसीलिए है कि उनको चुनावों के अंदर अपना भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ धन चाहिए शराब बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए मतदाताओं को पैसा चाहिए, रैलियों का आयोजन करने के लिए पैसा चाहिए, इतना विज्ञापन करने के लिए पैसा चाहिए, मूठ बनाने के लिए पैसा चाहिए लोगों का, लोगों को। तो एक और एक अन्य को एक दूसरा उदाहरण भी तो बताएं ना कि अडानी के अलावा ये कंपनी के अंदर ऐसा हुआ। खाली एक अडानी एक ऐसी अनोखी कंपनी है कि जिसके अंदर इतना नुकसान हो जाएगा तो भी आप उसको ठीक बताएंगे, ये तो नुकसान हुआ क्यों, चाहे देश का हुआ या विदेश का हुआ? जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो तब आप विदेशियों को दुश्मन क्यों बताते हो? विदेशियों को तो आप मित्र बताओगे, जिसको आपने जिन विदेशियों ने आपको आंखें खोल दी, जो आंखें बंद करे बैठे हुए थे आप। प्रेम जी 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 मिश्रा जी आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं बगैर सवाल के साथ आपके पास आता हूँ। अभी जो सर ने बोला अपने देश का दुर्भाग्य है, हम हिंडनबर्ग को धन्यवाद दे रहे हैं, कभी हिंडनबर्ग से हमने ये सवाल नहीं पूछा कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि गलत है। और मैं दूसरी चीज बोलूंगा तो फिर वो चला जाएगा, दूसरी उस पर चला जाएगा। एंडरसन के बारे में इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कहने की कि अमेरिका से जरा वो बोल दे, हिम्मत तो नहीं है। एंडरसन ने बोल दिया, एंडरसन ने बोल दिया तो जी धन्यवाद, हमारे ऊपर एहसान कर दिया। और रही बात चंदे की, तो चंदे की कमी इस देश में पार्टियों को नहीं है, वो जॉर्ज सोरस कर रहा है। एंडरसन ने जो प्रॉफिट कमाया वो जॉर्ज सोरस के थ्रू इंडिया में आ रहा है, उसने डिक्लेयर किया है। मैं इन चीजों को बोलना चाहता हूं कि हजारों साल से ये जो षड्यंत्र चल रहा है, आप जो है अजीब बात है, हिंडनबर्ग तो रोक दीजिए ना मिश्रा जी, ये भी तो सरकार की विफलता है ना। मुझे विश्वास नहीं है आप लोगों के हिसाब से, या तो FBI या CIA जांच करे तभी सत्य सामने आएगा। अब अपने देश की संस्थाओं पे आप लोगों को विश्वास, आप लोग सीधे बोलिए ना कि पैनलिस्ट पर विश्वास नहीं है, देश की तो बात ही नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट और पैनलिस्ट की मांग मत करिए, आप लोग बोलिए कि भाई जब FBI जांच करे या CIA करे, क्योंकि हम मानसिक और वैचारिक रूप से भी गुलाम हो गए हैं। यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इतना गुलाम हो गया है कि वो हिंडनबर्ग को थैंक्स बोल रहा है कि हमारी आंखें खोल दी। चलिए मैं टिप्पणी लेता हूँ सत्यदेव चौधरी जी का, उसके बाद इस चर्चा को तो क्या हुआ बताइए ना, एक धोखाधड़ी करने वाले हिंडनबर्ग इंसान से आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो तो होना नहीं चाहिए था। सॉरी सर, देखिए मैं करतूते बताता हूँ, ईरान और इराक का वार पूरा षड्यंत्र पे आधारित था, फ्रॉड था, अमेरिका ने करवाया था। अरे भाई अमेरिका ने, हम उसके चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं, हम ऐसे षड्यंत्र में हिंडनबर्ग को धन्यवाद बोल रहे हैं, आप आभार दे रहे हैं हमारे देश को, आप धन्यवाद दे रहे हैं।
क्योंकि हमारी आंखें खोली। बोलने दीजिए, आपकी भी बात आ गई, अब चौधरी साहब को नहीं तो बोल दीजिए कि एफबीआई या सीआईए से जांच करवाएं, और चंदे की कहां कमी है? जॉर्ज सोरस उसको वेलकम करेंगे, जॉर्ज सोरस ने जो बोल दिया उसको भी धन्यवाद दे दीजिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ पैसा दे रहा है। ये दोहरा एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे मिश्रा जी, एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? मैंने कहा कि सोरस के तरह की ओर से अगर यहाँ किसी पार्टी को पैसा आ रहा है तो रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना। मैं आपको बताता हूँ, अब हम नहीं भटकूंगा, मैं उधर अब नहीं जाऊंगा। क्यों है? देखिए अब चर्चा को खत्म करने का समय है, पैसे मुझे देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पैसे दे दो, सहारा ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे पैसे देने हैं, लोगों का प्रेशर था कि पैसे लौटाओ, निवेशकों का प्रेशर था, सहारा नहीं लौटा पा रही थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा था। देखिए सहारा ने खुद बोला था, डेट दिया था, मैं सुन लीजिए सहारा के बारे में। अनिल गुप्ता जी, मैं स्वयं सहारा परिवार में रहा हुआ व्यक्ति हूँ, हमें भी पता है जब हमारे पूरे अकाउंट ही सीज कर लेगी सरकार तो पैसा कहाँ से लौटा देगी। ये तो सीधी से सहारा की बात थी, एक अकाउंट आपने सीज कर लिया और फिर कहा पैसा नहीं लौटाएंगे तो जेल में रहो, ये तो गजब की बात हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी है, लेकिन मोटे तौर पर मैं बात बता रहा हूँ, अभी सहारा पर चर्चा नहीं हो रही है, सहारा का उदाहरण रेफरेंस के तौर पर आया है। तो मैं सबकी बात का समापन करते हुए ये कहता हूँ कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर के सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, तो कुछ मामला है तब तो जांच चल रही है, जांच चल, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जब सरकार ने कमेटी बनाने से सरकार खुद पीछे हट गई, कमेटी बनाना पड़ा, अब कमेटी कब की भी अपनी सीमा है, वो कहाँ से डेटा लाएगी, उसी सेबी के पास जाकर के डेटा मांग रही है जो खुद नकारा साबित हुई, जिसने खुद उनके ही शब्दों में हमने जांच ही नहीं की, तो इस पृष्ठभूमि में कैसे सच आएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार, एके मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, सत्यदेव चौधरी जी, हम फिर अलग अलग विषयों पर आते रहेंगे, जनता के साथ मुखा